वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स पिच रिपोर्ट। रनों की होगी बरसात है, गेंदबाजी करेंगे कमाल। बेंगलुरु और दिल्ली के मैच में कैसी होगी पिच। आईपीएल 2024 का 62वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जाएगा। इस मैच के लिए बेंगलुरु की पिच कैसी होगी, इसमें गेंदबाजों के लिए मदद रहने वाली है या फिर बल्लेबाजों का ही तूफान देखने को मिलेगा। बेंगलुरु आईपीएल 2024 में लगातार 4 मैच जीतकर प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई रॉयल चैलेंजर्स। बेंगलुरु को अपना दाव बनाए रखने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को हर हालत में हराना होगा। वहीं दिल्ली को भी किसी भी कीमत पर जीत चाहिए। इस मैच में हार उसे प्लेऑफ की रेस में पीछे कर देगी। दिल्ली अपने कप्तान ऋषभ पंत के बिना बेंगलुरु का सामना करने उतरेगी। धीमी ओवर गति के कारण पंत पर एक मैच का बैन लगा है। यह मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर होगा। कैसी होगी चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। इसी मैदान पर आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 287 रन बना है। हालांकि पिछले मैच में गुजरात टाइटंस की टीम 147 रन पर आउट हो गई, लेकिन आरसीबी ने स्कोर को सिर्फ 14वें ओवर में ही चेंज कर दिया था। इसका मतलब साफ है कि पिच में कुछ दिक्कत नहीं थी। आरसीबी और दिल्ली के मैच में भी पिच पर रनों की बरसात देखने को मिल सकती है। हार से ख़त्म हो जाएगी आरसीबी की उम्मीद। आरसीबी 12 मैचों में 10 अंक लेकर 7वें स्थान पर है और अब हारने के लिए से उसके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। लगातार 4 जीत और विराट कोहली के जबरदस्त फॉर्म के दम पर उसके हौसले बुलंद हैं। कोहली ने इस सत्र में सर्वाधिक 634 रन बनाए लिए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 153 का रहा है। कोहली के अलावा कप्तान फाफ टू प्लेसी, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन और दिनेश कार्तिक ने भी अच्छा पारियां खेली है। पिछले 4 मैचों में मोहम्मद सिराज ने अपनी लय हासिल कर ली, जबकि यश दयाल और स्पिनर स्वप्निल सिंह भी उपयोगी साबित हुए हैं।